तो आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे। ये देखो ऐसे बनते भटूरे, देखो 40 के दो भटूरे, जिसको खाना है तो माँ नगरी में आ जाओ, हरिद्वार में आ जाओ, भटूरे बना लेते हैं माया। ऐसा नहीं है भाई, हम भटूरा नहीं बना पाते। ये देखो फूला ना हमारा, हरिद्वार में है और माया के पास आ गए। माया खड़ी हुई है, सुबह 4 बजे उठती है और रात को 12 बजे सोती है। बर्फ कड़ा पूरी में, सब्जी में क्या क्या है? आलू गोभी है, आलू छोले है, आलू गोभी, आलू गोभी, आलू छोले, कड़ी। अच्छा तो एक काम करो, आलू रसेदार है कि सूखी? रसेदार, आलू गोभी तो सूखी है। सूखी तो हमें 2 पूड़ी दे दो और आलू गोभी दे दो, तो हम दोस्तों आ गए हैं कि पूड़ी लगा के दो प्लेट है ना। आपका क्या नाम है? मेरा माया। माया जी। अच्छा दो ही पूड़ी हम दो पूड़ी, तुम सुनो दो ही पूड़ी देना। हां आपको दो ही दूंगी। हां दो दो आज ही कड़ी चावल भी है। कल ले मार। कितने साल हो गए आपको बनाते बनाते? अच्छा पहले पापा करते थे, मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं खुद करती हूँ। अच्छा हस्बैंड खत्म हो गए जी, पापा भी खत्म हो गए जी। अच्छा अब बच्ची है ना? मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। अच्छा पूरी तो बहुत बढ़िया निकालती हूँ, लाल लाल एकदम लाल लाल। ये देखो ये पूरी आ गई, वाह। इधर बैठ खाते जरा। नहीं नहीं बस बहुत हो गया, हमने सोचा क्यों ना हरिद्वार आए तो माया जी का ब्लॉग बनाया जाए। इनकी यहाँ पे रेड़ी लगती है, हरिद्वार के मशहूर कढ़ी चावल, राजमा चावल, कढ़ी राजमा चावल, स्पेशल आलू पराठा, छोले के पूड़े, पूरी आलू छोले, खस्ता कचौड़ी भी लगते हैं मेले ठेले में बनाते हैं। अच्छा अभी थोड़ा सा ऐसी है ना, वो सीजन चल रहा है। अच्छा अच्छा ये देखिए गुब्बारे की तरह पूड़ी है, एकदम पतंग की तरह, और ये आलू की सब्जी है। हमने कहा थोड़ा मार दे जो बाहर द्वारा है। सब्जी तो बहुत बढ़िया बना है। लगाते हैं ना गरीब लोगों के लिए, जैसे आप लोगों ने का भंडारा लगा दो, उनके लिए भंडारा लगाते हैं। 20 रुपए प्लेट देते हैं, 2 पूरी सब्जी हलवा। अच्छा 20 रुपए में भंडारा है, तो रहने वाले यही हरिद्वार के? जी बाबूजी कितने साल हो गए? बाबूजी मेरी उम्र 40 साल की हो रही है हरिद्वार में। अच्छा तो पहले पापा लगाते थे? हाँ जी मेरे पापा की दुकान है आगे, रेडी में लगाते, मेरे पापा की दुकान थी होटल था अपने पास। अच्छा अच्छा कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे। पढ़ते होंगे? बेटा पढ़ता है। दुकान जाता कभी कभी नहीं आता? आता है सुबह सुबह, वही आता है मदद करने के लिए। दुकान खुलवाने वही आता। और दुकान कितने बजे खुलती है? सुबह 4 बजे खुलती है, 4 बजे दुकान खुलती है, फिर बना कर लूँ वही 6-7 बजे आते हैं, क्योंकि सब ताज़ा बनता है। अच्छा 4 बजे से रात को? नहीं हाँ रात को 4 बजे से सुबह 6 बजे तक तैयार होता है सारा। कढ़ी बनेगी, आलू छोले बनेंगे, आलू सब्जी बदल बदल के बनती है ना, एक सब्जी बदल के बनती है। अभी आलू कच्चा हो गया, कढ़ी कर रखे हो कि खुद ही बनाती हो? आलू छोले है ना ये कढ़ी कर, आलू गोभी है खुद भी बना लेते हो? जब घर जाते हो खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इधर हो माता जी, माता जी हम तो चाहे हरिद्वार में है और माया के पास आ गए। माया खड़ी हुई है, सुबह 4 बजे उठती है और रात को 12 बजे सोती है ना। और इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, तुम आए ले लो। ये बहुत ज़्यादा। अरे नहीं अरे नहीं 100 ले लो, कितने 100 ले लो? नहीं नहीं बाबू जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा चलो 50 ले लो। नहीं बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। अरे नहीं 50 ले लो। अरे नहीं अरे नहीं भाई ऐसा ना करो, इतना बड़ा काम कर रहे हो। अरे नहीं नहीं अब लेना पड़ेगा भाई, ऐसा ना करो काट लो। तो बहुत अच्छा लगा ये कढ़ी देखिए, ये कढ़ी पकौड़ा है देखिए, खुशबू इतनी ललन टाप है कि पूछो मत। कढ़ी पत्ते से तड़का मारा है ये देखिए, ये कढ़ी पकौड़ा है और ये पराठे आलू पराठे एकदम लाइट, ज्यादा मोटे भी नहीं है। ये इनका राइस है,
आलू, ये आलू छोले हैं इनके। इसमें क्या है? आलू गोभी। अच्छा आलू गोभी, ये है आलू गोभी। देखिए ये कौन सा एरिया पड़ता है? ये अपर रोड है, हल्की पौड़ी अपर रोड। अच्छा हल्की पौड़ी अपर रोड, अपर रोड। तो आओ भाई माया के, जिसको माया के भटूरे खाने हैं है, माया नगरी में आ जाओ, हरिद्वार में। चलो तो आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे। ये देखो ऐसे बनते भटूरे, देखो। चलो आ जाओ भैया, कितने का भटूरा है? 40 के दो भटूरे। जिसको खाना है तो माया नगरी में आ जाओ, हरिद्वार में। भैया देखो ये भटूरा बना दिया बढ़िया सा। और ये देखो कैसे फुला रहा हूँ, देखो गुब्बारे की तरह। ये हम भी भटूरा बना लेते हैं माया, ऐसा नहीं है भाई हम भटूरा नहीं बना पाते। ये देखो फुला ना हमारा कड़क। अभी एक और बनाएंगे, जिसको माया के भटूरे खाना है वो हरिद्वार आ जाए माया के पास। लाल चाहिए तो बताना। ये देखो लाल लाल भटूरे बढ़िया फर्स्ट क्लास बना दो, एक और बना दो। चलो ये लो भैया, और जिसको खाना भटूरा गरम गरम आ जाओ। चलो भाई थोड़ा तेल लगा लो। ये देखो अब मारते हाँ, तुम भी बना लेते हो, तुम भी आओ जरा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये देखो गर्म गर्म माया के भटूरे। एक थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इसको सीधा कर लेते हो, तुम भी हाथ बना लोगे। अरे वाह, तो देखे कंपटीशन हो रहा भटूरा कंपटीशन। ये देखो गर्मा गर्म भटूरा, एक फूल जाने बनाने हो जाएगी भाई। ये देखो फूल गया, फूल गया। माया तुम भी बनाओ, एक तुम बनाओ माया। तो आज माया के साथ में कंपटीशन हो रहा भटूरे का, देखें किसका बढ़िया फूलता है। चलो बनाओ माया। अरे यार तुम तो बहुत बढ़िया हो माया, पहन के खा लो भटूरा, मजा आ जाएगा। ये देखो ये भी फूल गया, भूल जाना बेटा। ये देखो गर्म है गर्म, ये है माया के भटूरे। और जिसको हरिद्वार आए तो माया के पास जरूर आना, गरम गरम भटूरा 40 रुपए के दो पीस ना है, बहुत मजा आने वाला। अच्छा 40 की सब्जी, पूरी सब्जी और 40 के भटूरे। तो चलते हैं, कभी भटूरा खाना है तो इस रेडी पे जरूर आना। बढ़िया देखिए लिखा हुआ है, आज हमने कहा पेपर? हाँ। एक पेपर दे तो भाई जरा, बढ़िया बना दिया भटूरा। कितने साल हो गए आपको? कम से कम तो 42 साल से हम भी भटूरा बनाते थे, अब छोड़ मेरे को। चलिए भाई जय गंगा भैया। ये बेटा है मेरा। अच्छा ये बेटा भी आ गया, आ जाओ दो साल। तो दोस्तों ये माँ के बेटे हैं, अभी पापा नहीं है। तो मम्मी की पूरी सपोर्ट करते हो आप? बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी करते हो ना? चलो पढ़ लिख के बढ़िया से अपनी एक बढ़िया से दुकान खोल लेना, और उसके बाद फिर आएंगे। जब दुकान तुम्हारी होगी तो हम जरूर आएंगे, और वहीं पे भटूरा फिर से बनाऊंगा। आपका क्या नाम है? अजय। अजय, अजय क्या? अजय गोस्वामी। चलिए अजय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आप माँ के भटूरा खाना है तो आ जाओ, लगता पहचान गए हो। हमने कहा आज माँ के भटूरे खाने यार। तो चलिए भाई जय माता की। तो इस ब्लॉग को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, और इस रणी पे जरूर आना। जिनका टेस्ट भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि हरिद्वार की पौड़ी पर तो टेस्ट नहीं है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। कढ़ी चावल में भी टेस्ट है, भटूरे में भी टेस्ट है। पूरी सब्जी खाओ और पराठे खाओ एकदम लाइट। तो ये भी मेरे 5 लोग आ गए, हरिद्वार में मिल गए। कैसे यहीं रहते हो क्या? कहाँ पर रहते? कभी माया के बड़े बड़े खाते आते रहते। तो चलिए दोस्तों हम ब्लॉग को समाप्त कर रहे हैं। आपका कौन सा?